हेलो जिक्स, कैसे आप सब? आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। शलवार कमीज ब्रो, कौमी लिबास। और मैं डिस्क्लेमर सबसे पहले देता चलूं कि अगर आपको गंदी बातें नहीं पसंद तो प्लीज़ ये वीडियो अभी बंद कर दें। मैसेज फ्रॉम एंटी पूंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी ना शुगर लगाना पड़ता है क्या यार? हम सारा हफ्ते सीरियस बातें करते रहते हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार हंसी मजाक भी होना चाहिए यार। और अब हमें लतीफ़ों की जरूरत नहीं रही पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानियों के जो कॉमेंट्स होते हैं ना कॉमेंट सेक्शन में, वो इतने मज़े के होते हैं कि सारे लतीफ़ों पर भारी। कभी कभी दिल पे ला लेना चाहिए। आज वैसे भी मूड बड़ा लाइट है, तो शुरू करते हैं फिर। ओह लेकिन सॉरी, एक मिनट, फनी कमेंट से पहले हम जरा एक सीरियस इश्यू डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम की प्राइसेस हर महीने बढ़ती जा रही हैं, और पिछले 7 महीनों से हो रहा है कि गवर्नमेंट 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये करके बढ़ाई जा रही है, और 64 से पेट्रोल अब 85 के करीब पहुंच चुका है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ पेट्रोलियम मसनूआत का बायकॉट करें, इसके बगैर भी कुछ दिन गुजारा करके देखें। वेस्ट में भी ऐसा होता है और फिर गवर्नमेंट प्राइसेस वापस लेती है, तो कोशिश करें कि पैदल सफ़र कर लें, बस में सफ़र कर लें, साइकिल पर सफ़र कर लें, गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना भरवाएं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो यहाँ पे बड़े बड़े पैकेजेस दिए जाते हैं, फ्री जितना मर्जी पेट्रोल भरवाओ, सिर्फ गरीब आवाम की जेब से ही आपने पैसे निकलवाने हैं। शेम ऑन यू। पेट्रोल पे 32% के करीब टैक्स लिया जा रहा है और डीजल पे 36% टैक्स। कहाँ का ये इंसाफ है भाई? 85 रुपये पेट्रोल पे आप 26 रुपये गवर्नमेंट को दे रहे हो। क्यों दें यार हम? इधर हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको तो फ्री मिला हुआ है, तो इसका तो हम इलाज करेंगे। तो आए जरा, एक तस्वीर एक लगी हुई थी फेसबुक में, मैं कल देख रहा था, डैरेन सैमी, जो आजकल बड़ी हॉट डिस्कशन है PSL की, और इतना वलवला कि उन्होंने क्वेटा के मैच में छक्का मार के जितवाया, और अपनी एक टांग से, और एक टांग उनकी जख्मी थी। ये होता है पैशन। Here we go. Smack that down the ground. It's far a victory. And why wouldn't they? Peshawar, Zalmi. उसके बाद उन्होंने सना बुचा के साथ एक तस्वीर अपलोड की फेसबुक पे, पता नहीं उन्होंने किया किसने की, मैंने फेसबुक पे देखी थी, तो जो कमेंट सेक्शन था ना वो बहुत जांगली था। सना बुचा नेवर स्पॉटेड अगेन आफ्टर दैट। मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। नॉट द कलर, बट देयर इज समथिंग एल्स दैट मैटर्स। Anusha Javed, I like Darren a lot. In Dubai, have a lot of Darren Low. मतलब पता नहीं कौन सा कोई काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, ऐसा कोई जैसे कहते नहीं कोई बहुत ही कोई मेहनत कर रहे होते हैं कि फेसबुक के कॉमेंट सेक्शन पे अपनी भड़ास निकालते हैं। When she is fond of it, stop it right now. At the end, रिजल्ट इज सैमी सना का बचा। ये कहाँ से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं जो यार इतनी डीप थिंकिंग रखते हैं, इतनी डीप थिंकिंग रखते हैं कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हमारे जहन में ये क्यों बात नहीं आई। पुट नॉट ही अमेरिका टैग देन गेम चेंज। दिस जेम ऑफ अ कॉमेंट और अ प्रीशियस कॉमेंट, प्यूरिफुल क्रिएटिविटी लेवल माइनस इन्फिनिटी। चॉकलेटी बॉय विद दूध का पाउडर, fantasy is going to be fulfilled. Yes, but ye nahi bataya kiski, Bucha ki ya Sammy ki? Sana Bucha is blacked. Roko inko, bas ruk jao idhar hi, bahut ho gaya. Sana Bucha in interracial casting. Once you go black, you never go back. Yes, once you go black, you never go back. सना बुच्चा विद ब्लैक लुच्चा। सना बच्चा हॉट आंटी लुक्स लाइक इंटरेशियल कपल। योर ऑब्जर्वेशन इज 100% करेक्ट। इंटरेशियल सीन्स लॉल। ओए लगता है तुम लोगों का सारा दिन ही नॉटी अमेरिका पे गुजरता है। बेस्ट टेस्ट ऑफ ओरियो फैंटेसी। नाइस। ब्रेजर्स होल द होल। क्या मतलब यार, क्या मतलब? अगर किसी को समझ आए तो मुझे भी बता देना। होल द होल, इज दैट मैन। बिग बैंग थ्योरी 2018। देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक पीपल आउट देयर रेडी टू सक्स। सना बुचा और सैमी की तस्वीर मैंने कल फेसबुक पे देखी थी और मुझे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगी। नॉर्मल
द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इसको कमेंट सेक्शन को देख के तो पता चल रहा है कि हमारी आवाम के दिमागों में सिर्फ सेक्स ही भरा हुआ है. मतलब एक तस्वीर देख के ही कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं. क्या फैंटेसीज हैं यार तुम लोगों की. काश मेरी भी इतनी डीप फैंटेसीज होती. मतलब इसका मतलब क्रिएटिव हैं हम. सोच सकते हैं आगे का लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं. इफ यू नो व्हाट आई मीन. और क्या ही मजा है कि आप लोग अपनी ये डीप फैंटेसीज पॉजिटिव इमेजिनेशंस में तब्दील कर दें. बहुत थोड़ी भी आवाम है कसम से. बहुत थोड़ी भी आवाम है मेरे पाकिस्तानियों. और ये तुम किन कामों में पड़ गए जेजी. ये सारे गंदे कमेंट्स नवाज शरीफ ने करवाए. नवाज शरीफ एक बेगैरत इंसान है. अगर ये कमेंट्स पढ़ के आपका कोई क्रिएटिव बेस जा गया हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ ख्यालात का इजहार कीजिए ना. कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए. देखते हैं हम कितने क्रिएटिव हैं आप.